ध्यान रखना, ये हमारे बज रहे हैं 6:15, और एक गाड़ी इन्होंने वॉश करके ला के धो के इधर रख दी है। कोई सर्विस सेंटर वगैरह में कोई इसका ऑयल चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ये मेरे को कहेंगे निकालो पैसे 4,000-4,500 सर्विस के। अब मैं अंदर जाके बात करता हूँ, भाई गाड़ी मेरी सर्विस नहीं हुई, और यहाँ इन्होंने ला के सजा के खड़ी कर दी है कि भाई गाड़ी आपकी होगी सर्विस। अभी बात नहीं हुई, अभी बात करूँगा मैं। कर रहे हो साफ़? कर रहे हो गाड़ी? हो गई गाड़ी रेडी? सर्विस हो के आ गई है? होगी सर्विस इसकी? गाड़ी सर्विस होगी, नीचे मेरे को स्टेशन में दिखी नहीं गाड़ी, और ये सर्विस होके आ गई। अब मैं बात करता हूँ इनसे। ऐसे घूम के आ गई है, स्टेशन पे पहुंची नहीं है सर्विस के। अब कितना बिल, कितना है? 4,500 का खाली गाड़ी घुमाने का। ये काम हो रहा है कंपनी में? वेरी गुड। अभी बात करूंगा जीएम साहब से ही बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। ये गाड़ी धो धा के ले आए हैं, और बिल मेरे को मिलेगा 4,500। लेके जाओ, अब इसकी सर्विस करो, ऑयल ऑयल सब चेंज करो। मैं 1 रुपये नहीं देने वाला इसके। अब काम होगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सीधी बात है, मेरे साथ चलो। मैं आया हूँ गाड़ी सर्विस कराने, मैं कंपनी से गाड़ी सर्विस कराता हूँ, सो दैट कि भाई कहीं रास्ते में गाड़ी ना रुक जाए। कोई थोड़े से एक्सपेंसिव जोर होता है, बट मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कंपनी से ही सर्विस कराए। पूरे खड़ी मेरी गाड़ी पीछे भाई, जैसे देख सकते हो। अभी थोड़े कंपनी ना ड्रामे वामे कर रहे थे, मतलब मेरे को 1 घंटा 1.25 घंटा बैठा रखा जॉब कार्ड खोलने के लिए। अभी बिजी है, ये है वो है, भाई बंदे के भी टाइम की वैल्यू होती है, तो 5-10 मिनट करके 1 घंटा मेरा 1.25 घंटा वेस्ट कर दिया जॉब कार्ड नहीं खोली। तो गाड़ी अभी हमारी वॉशिंग पे जा चुकी है, ये देख सकते हो अभी पीछे है गाड़ी। और मैं आपको थोड़ा सा वॉशिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। मेरे को यहाँ का वॉशिंग प्रोसेस बड़ा शानदार लगता है, इसलिए मैं गाड़ी पे जब भी वॉशिंग कराता हूँ ना, अगर वॉशिंग बाहर कराने के लिए जाऊँगा तो मैं तो कंपनी से कराऊँगा भाई, क्योंकि उनका ना मेरे को वॉशिंग प्रोसेस बहुत सही लगता है। गाड़ी की जो हमारी सफाई स्टार्ट हो चुकी है, डिक्की में कुछ सामान पड़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, हॉर्न वगैरह मैंने चेंज कराए थे भाई। डिक्की को खोलते हैं, खुल गई। ये मेरे भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इधर होगी ना, अंदर होगी, होगी तुम कर ही रहे हैं। इसमें है टूल किट नहीं, नजर नहीं आ रही मेरे को, नजर नहीं। एक मिनट रुको, ये है तो है सारा, मेरे को टेंशन हो गई थी। मैंने हॉर्न रखे थे, हॉर्न चेंज कराए थे ना इसमें गाड़ी, करेटा वाले हॉर्न लगवाए थे मैंने। सर्विस कराने आओगे ना, बहुत बढ़िया। पिछली 2 बार से जो है गाड़ी में आके इनको ही देता हूँ हमेशा। इस बार भी ध्यान आप ही रखोगे गाड़ी का? बिल्कुल, चिंता ना करो, ताजी गाड़ी है। चलो आप जब भी आओ ना इनसे जरूर मिलना, आपकी गाड़ी की जो है पूरा ध्यान रखते हैं सर्विसिंग वगैरह का। बाकी गाड़ी की वॉशिंग हो रही है, ऐसे मैंने पहले बताया था, मैं हमेशा जब भी गाड़ी साफ करवाता हूँ ना बाहर से करवाऊंगा, तो मैं तो कंपनी से कराता हूँ, क्योंकि मेरे को तसल्ली वहीं से होती है। देखो भाई, देखो कितनी मिट्टी निकली, कितनी कम, मैं कम से कम नाना करते 3-4 ट्रिपें मार चुका, उसके बाद जाके मैंने गाड़ी वॉश कराई है। मिट्टियाँ देख रहे हो कितनी निकल रही इसमें। हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो अब राहुल जी मेरे को अंदर लेके जा रहे हैं। कॉफ़ी पिला रहे हो आप? बिल्कुल सर, कॉफ़ी पिलाएंगे अपने हाथ से। चलो ये कॉफ़ी पिला रहे हैं, कॉफ़ी पीते हैं फिर हम दोबारा आते हैं एक बार। बाकी ये है कि देखो गाड़ी का, अब ये होता है कि मैं इसलिए अपनी जो है स्कूटी जो है बाहर से सर्विस कराता हूँ, गाड़ी में कंपनी से कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? क्योंकि भाई कल को एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए, कल को मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर वगैरह जाऊँ, ये ना हो कि गाड़ी में कोई इंजन ऑयल नकली पड़ा हो या कुछ, एक सेफ्टी के लिए अपने, तो दिक्कत ना हो। टच वुड, अभी तक मेरी गाड़ी बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं की इसने, मतलब कहीं जहाँ मर्जी लेके जाओ एक बार भी नहीं रुकी, एक बार भी इसने दिक्कत नहीं की। तो गाड़ी का जैसे मेरे भाई वॉशिंग वगैरह भैया ने जो बढ़िया कर दी है, एक बार आपको दिखाता हूँ गाड़ी की शक्ल। ध्यान रखना, ये हमारे बज रहे हैं 6:45, और एक गाड़ी इन्होंने वॉश करके ला के धो के इधर रख दी है। कोई सर्विस सेंटर वगैरह में कोई इसका ऑयल चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ये मेरे को कहेंगे निकालो पैसे 4,000-4,500 सर्विस के। अब मैं अंदर जाके बात करता हूँ, भाई गाड़ी मेरी सर्विस नहीं हुई, और यहाँ इन्होंने ला के सजा के खड़ी कर दी है कि भाई गाड़ी आपकी होगी सर्विस। अभी बात नहीं हुई, अभी बात करूँगा मैं। कर रहे हो साफ? कर रहे हो गाड़ी? हो गई गाड़ी रेडी? सर्विस हो के आ गई है? होगी सर्विस इसकी? गाड़ी सर्विस होगी, नीचे मेरे को स्टेशन में दिखी नहीं गाड़ी, और ये सर्विस होके आ गई। अब मैं बात करता हूँ इनसे। ऐसे घूम के आ गई है, स्टेशन पे पहुंची नहीं है सर्विस के। अब कितना बिल, कितना है? 4,500 का खाली गाड़ी घुमाने का। ये काम हो रहा है कंपनी में? वेरी गुड। अभी बात करूंगा जीएम साहब से ही बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। ये गाड़ी धो धा के ले आए हैं, और बिल मेरे को मिलेगा 4,500। वहीं खड़ी कर दी है, भाई फटाफट लेके जाओ, लेके जाओ। अब इसकी सर्विस करो, ऑयल ऑयल सब चेंज करो। मैं 1 रुपये नहीं देने वाला इसके। अब काम होगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सीधी बात है, मेरे साथ चलो। ये गाड़ी अंदर से पूरी उन्होंने चमका दी है, कुछ सर्विस नहीं हुई गाड़ी की, और बिल मेरे को थमा दिया जाएगा। भाई आप लोग भी ध्यान देना। अब ये वीडियो तो मैं डालूंगा अपने चैनल पे। नहीं सर, वो
गाड़ी यहाँ आई है अंदर सर्विस सेंटर में। पूरा मैं घूम गया यहाँ, दो तीन चक्कर मार लिए, कोई यहाँ पे जो है सर्विस करे, घुमा के बाहर खड़ी कर दी। देखो यहाँ पे मैं दो बार तीन बार आया हूँ और राहुल जी जो सर्विस देख रहे हैं उनको साथ लेके आया हूँ मैं। का ध्यान देना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये देखो सारी गाड़ी चमका दी, बंदा को पता भी ना चले भाई क्या हुआ। ये लाके जो इन्होंने यहाँ पे गाड़ी जो है अब सर्विस में डाली है, टाइम आप देख सकते हो भाई। लाके वॉशिंग पे, पहले वॉशिंग में इतनी देर पड़ी रही आपके सामने, सारा मैंने वॉशिंग का वीडियो बनाया, वॉशिंग में पड़ी रही। उसके बाद जो है अब ये गाड़ी जो है यहाँ पे अब ये लेके आए सर्विस के लिए। बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिल्कुल इसको ऐसे साफ़ कर दिया भाई, इस पर कोई बंदा गैस भी नहीं कर सकता कि भाई गाड़ी सर्विस ना हुई हो। हर एक चीज़ ऐसे कर दी, बट वहीं है क्योंकि मैं अपने नज़रों के सामने गाड़ी सर्विस करता हूँ, गाड़ी नीचे स्टेशन में पहुंची नहीं है। दो बार तीन बार मैंने चक्कर मार लिए, एक बार जो राहुल जी देख रहे थे उनको साथ चक्कर मारे भाई, उनको गाड़ी नहीं दिखी कहीं पे। मेरे यहाँ पे लगी स्टेशन पे, अब इसकी सर्विस स्टार्ट हुई है। देख लो टाइम कितना हो रहा है, 6 बजने वाले। तो आपको हर एक चीज़ अब मैं टाइम के साथ दिखा रहा हूँ, सो दैट कि भाई मेरे को भी अंदाज़ा नहीं था ये चीज़ होगी, बट स्टिल वही है कि मैं हमेशा अवेयर रहता हूँ। ये मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे सर्विस सेंटर, पिछले 5 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो कभी ये चीज़ नहीं हुई। बट ये चीज़ जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुई है, ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये चीज़ आपको जो है दिखा रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ये चीज़ जो है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है भाई। हमारा हार्ड एंड मनी, हम मेहनत करते हैं, यहाँ आए, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, एक ट्रस्ट होता है। जो चीज़ मतलब आज मेरे को बहुत बुरी लगी है, आपके साथ ये चीज़ ना हो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बार बार दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप भी प्लीज़ इन चीज़ों का जो है बिल्कुल ध्यान रखो। लापरवाही जिसकी भी हो, बट एट द एंड भुगतना तो देखिए कस्टमर को पड़ता है, क्योंकि पैसा उसका है, हार्ड एंड मनी है उसकी है। तो भाई सीधी बात है भाई, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। गाड़ी ऊपर जा रही, स्टेशन में टाइम हुआ है। अब मैं हर एक चीज़ आपको टाइम के साथ दिखा रहा हूँ कि देख लो भाई कि पहले क्या हुआ और अब देखो। अब मतलब बिल्कुल ये बहुत ही लापरवाही हुई है। अब स्टेशन पे जा रही है, अब जो गाड़ी आप देख सकते हो ऊपर चढ़ रही धीरे धीरे। अब इस पे जो है सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ऐसे घुमा के ला दी और मेरे को कह रहा था गाड़ी साफ़ करने, गाड़ी आपकी रेडी होके आ गई है। तो भाई ये काम अब स्टार्ट हुआ है, अब गाड़ी के टायर वगैरह खोलेंगे, जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है, जो भी इनका प्रोसेस होता है वो अब ये तरीके से फॉलो करेंगे। अभी मेरे को कॉल भी आया वहाँ से इनके ऑफिस से कि भाई ऊपर आओ सर आराम से बैठो। मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं बैठूंगा, अब मैं आराम से जो है ये चीज़ करूँगा। वैसे भी मैं बीच बीच में चक्कर मारता रहता हूँ, मेरी आदत अच्छी, हर बार मैं गाड़ी सर्विस तो बीच में चक्कर मारता हूँ और फिर मैं ऊपर ही जाके बैठ जाता हूँ, कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ। बट अब मैं पूरा काम अपनी नज़रों के सामने कराना चाहूँगा, क्योंकि जो होता है ना एक बार जो ट्रस्ट टूट गया है वो अब थोड़ा सा मुश्किल है दोबारा रिबिल्ड करना। देख सकते हो ये टाइम हो रहा है, 6 से थोड़ा सा ऊपर हुआ है और ये इंजन ऑयल जो है इनके हिसाब से जैसे कंपनियां कह रहे पहले सर्विस हो चुकी है। अच्छा ख़त्म हो जाए तो मतलब ऐसे निकलता है, तो अगर मैं अभी थोड़े टाइम मेरी गाड़ी सर्विस ना होती है इंजन नुकसान करता है, नुकसान नहीं करता। तो फिर मतलब ख़त्म हो रहे मतलब कि आपका पुराना ऑयल करता है। हाँ हाँ तो मतलब ये अभी गाड़ी पहले सर्विस नहीं हुई थी ना ये? नहीं नहीं अभी जैसे मेरी गाड़ी अभी जैसे मेरे मैंने 3:30 बजे गाड़ी दी है तो ये पहले सर्विस नहीं होके गई थी ना? अभी स्टार्ट हुआ ना इस पे काम भाई। देख लो आपके सामने जो है, देखो जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ देखो, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ये चीज़ देखो भाई। तो भी मतलब कितना बड़ा आप सोच सकते हो भाई धोखा होता, कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी लाखों का मेरा नुकसान होता, गाड़ी का इंजन को नुकसान होता और रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता भाई मेरे को? सर आप सर्विस ने टाइम पे नहीं कराते, बाहर से कराते हो ये वो। मेरा हर बार सर्विस जो है कंपनी से कराई है मैंने, आपके सामने चीज़ दिखा रहा हूँ। इंजन ऑयल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अभी नया डलेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा चीज़, और टाइम तभी मैं आपको बार बार शेयर करूँगा। ये देख लो भाई, सो दैट भाई देख लो आपके सामने जेन्युइन चीज़ है सारी। टाइम फिर मैं दिखाता हूँ भाई, आप टाइम देख लो। ये गाड़ियाँ कल जानी इन ये सारी स्टेशन पर लगी हुई हैं गाड़ियाँ, ठीक है। मेरी गाड़ी बिल्कुल इन्होंने चमका के ऊपर लगा दी और अब मेरे को ना कहानी समझा रहे हैं कि सर हमने ना गाड़ी की डिलीवरी कल देनी थी इसलिए हमने ऊपर लगा के वहाँ बिल्कुल साइड पे चमका के कपड़ा वपड़ा मारा था लड़का, बिल्कुल बिल्कुल चमका के रख दी थी। और आपके सामने मैंने उससे पूछा था कि हाँ भाई गाड़ी रेडी है, कह रहे हाँ। तो भाई देख लो अब किस तरह से कर रहे हैं, अभी कैमरे में लेके आएंगे, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे भाई ऐसे क्यों हो रहे, देखना क्या जवाब देते हैं। गाड़ी की ना डिलीवरियाँ कल है तो देखो दूर दूर तक जो है सारी मतलब गाड़ियाँ भी देखो। तो भाई सीधी बात है, गाड़ी अगर आपके यहाँ सर्विस के लिए आई है तो ये थोड़ी ना उसको चमका के आप ऊपर साइड पे रख दोगे भाई, सीधी बात है। बना रहे हैं यार ये इस तरह से कहानियाँ को मारे भाई, इनकी जो गलती पकड़ी गई है और अब ये जो है मतलब इस तरह से एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। बाकी अभी बात करेंगे, देखना जॉब कार्ड टाइमिंग वगैरह भी देख लो। 4:07 पर जो है बना है जॉब कार्ड और मेरे को इन्होंने जो है 5:30 बजे जो है कह दिया था भाई गाड़ी जो है सर्विस हो गई आ गई है, पहुंची नहीं स्टेशन। यदि कि 1 घंटा तो मतलब आप मान के चलो 5:45 तो शायद 5:30 तक ऐसी कुछ टाइम था, मेरे को याद नहीं, बट 1 घंटा वॉशिंग में लगी थी तो मतलब 15-20 मिनट में गाड़ी सर्विस हो गई, इतना जादू हो गया यहाँ पे। तो जो कि मेरे को डाउट हो गया भाई पक्का दाल में कुछ काला है,
बाकी ये देखो भाई, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई। भाई चेक कर लो आप ये जॉब का टाइमिंग वगैरह, हर एक चीज देख सकते हो आप। ये रेडी हुई है और इन्होंने जो आधे घंटे में पहले रेडी करके मेरे को भेज दिया था, कह था भाई जाओ 10-15 मिनट बस मैं कॉफ़ी पी के ऊपर, और इन्होंने गाड़ी रेडी करके भाई ऐसे लगा दी थी मेरी नज़रों के सामने। जो इन्होंने ऑयल ऑयल चेंज किया है, फ़िल्टर वगैरह भी मेरे को दिखा देता है, एयर फिल्टर वगैरह चेंज हुआ है। जो चीज़ जेनुअन है सो है, बाकी वही है जो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा भाई गलत है। अभी ऊपर जाके बात करूँगा, देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी सर्विस हो चुकी है बिल्कुल, और काम तो बढ़िया होता है, कोई बात नहीं। बाकी बिल कितने का होना है, बिल तो दिखा दो सर। बिल ये अपना कुछ नहीं है सर, कम ही है सर, 4039 कम ही है, 4000 का भी बना दिया। अच्छा अब ये बताओ, पहले अपने 15 मिनट में गाड़ी नीचे से घुमा के ऊपर लगा दी थी, वो क्या सर? इस टाइम डिलीवरी का टाइम होता है, ठीक है, क्या मैं तो सोच रहा था 4000 दे देता फिर। अरे नहीं ऐसे क्या देते सर, दो सर्विस पहले मैंने कराई, भरोसे पे हुई ना सर सर्विस से, देख रहे भरोसा, आप भी भरोसा ही हो रहा है सर। देख भरोसा ठीक है, बट आप देखो थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि अगर जैसे गाड़ी का ऑयल कम था, मैंने चेक किया नीचे जाकर। अच्छा, अभी मेरी 1-2 महीने गाड़ी चल जाती, मैं तो अपने हिसाब से कंपनी से गाड़ी सर्विस करा चुका हूँ, बट गाड़ी मेरी कल को दिक्कत करती तो कहीं ना कहीं ब्लेम मेरे पे आता है ना उसमें। आप तो नहीं, नहीं, वो तो सर रिकॉर्ड में तो यह था कंपनी सर्विस हो चुकी है। देखिए सर अभी भी आपको ऑयल वगैरह पूरा चेक करा के दिया प्रॉपर तरीके से, फिल्टर वगैरह सारा कुछ, ऑयल वगैरह आपके सामने रिप्लेसमेंट कर दी थी सर, ठीक है सर। वो स्टार्ट डन हुई है सर के साथ? हाँ सारे कुछ डन किया सर। बाकी देखो काम ठीक होता है, बट वो वाली चीज़ जो है थोड़ी सी क्या बड़ी लापरवाही हुई है, वो चीज़ मैंने जो मतलब इसमें आपको दिखाई है, बट वही है कि भाई बाकी काम अच्छा होता है, तभी मैं 5 साल से इनसे जुड़ा हुआ। मेरे से तीसरी सर्विस हो रही है सर। हाँ तीसरी सर्विस, बाकी मैं 5 साल जब से गाड़ी ली तब से मैं यहीं से करा रहा हूँ, बाहर से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रस्ट बना होता है कि हाँ भाई कंपनी से करा रहे हैं आप, बस वही है कि भाई वो चीज़ बरकरार रहे तो भाई अच्छी बात रहती है। गाड़ी गाड़ी बिल्कुल चमका दी है, 2-3 बार टोकना पड़ता है, वही है देखो हमारी क्या हार्ड एंड मनी होती है। अब देखो डिस्काउंट लगा के मेरे को मिले 3600 रुपये का पड़ा है, अभी मैं आपको अंदर जाके तरीके से दिखाऊँ। 4000 बिल था, डिस्काउंट का आजकल चल रहा है तो 3600 पड़े हुए, कहीं ना कहीं देखो हमारी हार्ड एंड मनी होती है, हम भी मेहनत करते हैं, तो भाई इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। सिर्फ ये मेरा वीडियो था अवेयरनेस के लिए कि भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, नहीं तो कहीं ना कहीं गाड़ी की वॉशिंग करके घुमा के इन्होंने खड़ी कर दी थी, और वहीं कि मेरे को पूरा उसके हिसाब से कॉस्ट पड़ना पड़ता, वो कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी नुकसान खाती, क्योंकि साल में एक बार सर्विस होनी होती है, मैं नेक्स्ट ईयर सर्विस कराता हूँ, उससे पहले कोई ना कोई गाड़ी को जो नुकसान हो जाता है, मतलब ध्यान से करने वाली एक सीरियस चीज़ है ये। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो इन्फॉर्मेशन थी आज की बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँची होगी, और फिर से मिलेंगे, क्योंकि मैं तो देखिए अपने नॉर्मल ब्लॉग्स बनाता हूँ मेरे इस चैनल पे, फिर से कोई एक्साइटिंग से ब्लॉग में मिलेंगे, बट ये वाला ब्लॉग बनाना ज़रूरी लगा मेरे को, इसलिए मैंने जो है बनाया। मैंने तो नॉर्मल ब्लॉग से ही शुरू की थी, बट ये चीज़ जो एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वाली थी, तो भाई दिल से सबका जो थैंक्स, सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको उसको वीडियो यूज़फुल लग रहा है अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, ये वाला एक्साइटिंग नहीं था बट ये वाला एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, तो अभी के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।